सोई हुई सरकार को जगाने के लिए किसान चढ़े झाड़ पर और झाड़ पर चढ़कर थालियां बजाकर विरोध किया। यह अनूठा विरोध प्रदर्शन मध्य प्रदेश के सीहोर जिले का है। दरअसल किसानों के खेत में लगी सोयाबीन पीला मोजक बीमारी से खराब हो गई है। कुछ दिनों में पूरी फसल ही बर्बाद होने लगी है। किसान सोयाबीन की बर्बाद फसल के सर्वे की मांग कर रहे हैं, लेकिन न तो जिला प्रशासन कोई सुनवाई कर रहा है न राज्य सरकार। इस तरह की मांग रोजाना प्रदेश के कई जगहों से उठ रही है, लेकिन सीहोर के किसानों ने अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए एक अनूठा रास्ता अपनाया। किसान अपनी फसल लेकर झाड़ पर चढ़ गए और उसके बाद उन्होंने थालियां बजाकर विरोध प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि इससे पहले भी हमने कलेक्ट्रेट का घेराव किया था, कलेक्टर को ज्ञापन दिया था, लेकिन सरकार किसानों की समस्याओं की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। बहरी सरकार को जगाने के लिए अब थालियां बजाना ही एक विकल्प रह गया है। विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करने वाले चंदेरी के किसान पर्वत सिंह मेवाड़ा ने कहा कि जिले के आला अफसर किसानों की सुनवाई नहीं कर रहे हैं। फसल 100% बर्बाद है, लेकिन अभी तक सर्वे शुरू नहीं किया गया है। जिला प्रशासन कुंभकर्ण की नींद सो रहा है। हमें इन्हें जगाने के लिए थालियां बजाना पड़ रही हैं। और जिले के किसान लोग मजबूर होकर, दुखी होकर माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से यही अनुरोध कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री महोदय, इनकी सोयाबीन की फसलें चौपट हो गई है, चारों तरफ से नुकसान हो गया। आज मजबूरी में किसान इस कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, लॉकडाउन का पालन करते हुए अपने गांव में ही देखिए पेड़ों पे चलते हुए किस कदर अपने माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध कर रहे हैं कि ये सोयाबीन की फसलें का मुआवजा जल्दी दिलाया जाए, सर्वे जल्दी कराया जाए। हम कलेक्टर महोदय को भी ये बात से अवगत करा चुके, माननीय मुख्यमंत्री जी हम किसानों के मसीहा है, हम उनसे अनुरोध करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी हम किसानों की आवाज आप तक पहुंचाए, इन किसानों की समस्या आप तक पहुंचाई जाए। ये किस तरीके से परेशान है किसान, किसान का देखिए ये हाल, पेड़ों पे चढ़े हुए देखिए किस कदर किसान लोग पेड़ों पे चढ़ कर बैठे हुए खाली बजा रहे किस कदर किसान। ब्यूरो रिपोर्ट, एक्सपोज टुडे, सीहोर।